वरना सारे ये ऐरे गहरे नथू गहरे हैं, झोड़ा उठा के आते हैं, साइकिल पर आते हैं झोड़ा उठा के, उसके बाद में झोड़े से बढ़ाते हैं तिजोरियां और फिर विमानों में भर के ले जाते हैं और भरवा देते हैं। विजय माल्या को भगाया किसने? विजय माल्या को नरेंद्र मोदी जी ने भगाया है, पक्की बात है, बिल्कुल सबूत इसके सामने, कैमरे की फुटेज भी नहीं निकाली इन्होंने तो। एयरपोर्ट से तो जाएगा, उसके ऊपर कोई पंख थोड़ी ना लगे हुए हैं विजय माल्या के ऊपर, ना उसके पीछे पूंछ है कि वो उड़ के चला जाएगा। बड़ी सोचने वाली बात है, जाएगा तो एयरपोर्ट से ही। क्या नहीं पता था मोदी जी को? क्या इंटेलिजेंस को नहीं पता था? ये पकड़ लेते हैं भाई, एयरपोर्ट से सोना पकड़ा गया, एयरपोर्ट से तस्करी पकड़ी गई, एयरपोर्ट से ये पकड़ा गया, कोई बिना वीजा के आ गया, कैसे भी आ गया, छिप छिपा के आ गया, ये बांग्लादेशियों को पकड़ लेते हैं, बांग्लादेशी रह रहे गरीब लोगों को पकड़ लेते हैं। विजय माल्या को तो पुलिस सुरक्षा में भगाया मोदी जी ने, कितना जवाब देंगे, कितना जवाब मांगे इनसे? पूछता मैं तभी तो कहता हूं, बोल मोदी बोल, जवाब दे, विजय माल्या को किसने भगाया? इस तरह से ना जाने कितने लोगों को इन्होंने उठा के लंदन में बैठा दिया, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ये मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो। अब एक बड़ी बात सोचने की ये भी आती है, मोदी ही चोर क्यों है? अब मेरे ऊपर तो ये केस कर देंगे, राहुल गांधी रोज बोलता है मोदी जी चोर है, मोदी जी चोर है, मोदी जी चोर है। अब मैं कह दूं हाँ जी सच में ही मोदी जी चोर है, और ये कह दोनों ही चोर है, तो दोनों ही फिर ये हो जाएंगे भाई, हाँ वो भी पीछे लग जाएगा, ये भी पीछे लग जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं साथियों, ये सारे के सारे चोर हैं, ये कोई दूध के धुले नहीं है। अगर है तो पूरे देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी है जो सरकार चला सकती है, इनके बस की बात नहीं सरकार चला। और मैं तो बहन जी से भी कहना चाहूंगा, जो नोट के ऊपर इन्होंने एक ठप्पा लगाया हुआ है ना, एक गंजे को बैठाया हुआ है, बहन जी सबसे पहले इसको निकाले, सुबह सुबह देखते जो ना पर्स में रखने का भी मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, पैसों के बिना काम नहीं चलता। इनको ऐसे ही धोना चाहिए, क्योंकि इनको बड़े तार्किक तरीके से धोना पड़ेगा, बड़े हिसाब से इनको धोना पड़ेगा। तो इनको बड़े हिसाब से बड़े तरीके से धोना पड़ेगा। क्रांति की भाषा भी इनके समझ में आ रही है लगातार, ये परेशान है, दुखी है ये। इनको डर लगता है, पता है किससे डर लगता है इनको? इनको डर लगता है तो नीले से डर लगता है, आसमान भी नीला बच के कहां जाएंगे? झंडे हमारे नीले, हमारी पार्टी का रंग नीला, हमारा सब कुछ नीला, और पूरा देश भी कर देंगे एक दिन हम नीला नीला, ये भी नहीं छोड़ देंगे। तिरंगे का सम्मान करते हैं हम, ऐसी बात नहीं, हम किसी के इनके रंग का विरोध करें हम नहीं करते, इनका रंग का विरोध कोई बात नहीं, लेकिन इनका रंग जो है वो दंगे फैलाता है, इनका रंग जो है वो समाज में वैमनस्य फैलाता है, इनका रंग जो है समाज में विघटन पैदा करता है, इनका रंग जो है वो पूरे देश में आतंक की परिभाषा समझता है, आतंक की परिभाषा जानता है। नीला रंग इतना खुशी का, इतना शांति का, इतना भाईचारे का प्रतीक है। हम लोगों की ये नहीं है कि हम लोगों की 56 इंच की तरह 56 इंच हमारी है, लेकिन हाँ इतना हमारा सीना बड़ा है, इतना हमारा दिल बड़ा है कि हम हमेशा भाईचारे का संदेश देते हैं, हम हमेशा शांति का संदेश देते हैं। हम ये कहते हैं भाई आप ढंग से रहो, हिसाब से रहो, अत्याचार मत करो, लोगों को मत तड़पाओ, मत धर्म के नाम पर लोगों को मारो। किसी की दाढ़ी काट देते हैं, किसी को दाढ़ी पकड़ के बोलते हैं जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। अरे जिसने बोलना होगा अपने आप ही बोल देगा। किसी की दाढ़ी पकड़ के तुम जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हो, क्या उनको हम आतंकवादी नहीं कहेंगे? संविधान जला रहे हैं राजधानी दिल्ली में, मारे मारे घूम रहे हैं, क्या हम उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे? देश के संविधान के खिलाफ जो बात करेगा वो आतंकवादी ही कहलाएगा।